तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समर ड्रेसिंग टिप्स के बारे में, मतलब आपको समर में कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए और हाँ, और आप कैसे समर में बहुत ही फैशनेबल दिख सकते हैं, बहुत ही आउटलुक दिख सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा फैशनेबल दिखें, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है बॉटम, मतलब आपको बॉटम में क्या पहनना चाहिए। तो गर्मियों में बॉटम में आपको क्या पहनना चाहिए, आपको शॉर्ट्स पहनने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो शॉर्ट्स होते हैं वो बहुत ही फैशनेबल भी होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल भी होते हैं, और शॉर्ट्स आपके फैशन को बहुत ही आउटलुक भी बनाते हैं। अब शॉर्ट्स में आपको कौन कौन से शॉर्ट्स लेने चाहिए, आपको शॉर्ट्स में चीनो शॉर्ट्स लेने चाहिए, मतलब जो कॉटन के बने होते हैं, और आपको डेनिम शॉर्ट्स लेने चाहिए जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं अगर आप व्हाइट टी शर्ट या कोई लाइट कलर की टी शर्ट पहनते हैं। और इसके साथ आपको एक एथलेटिक शॉर्ट्स लेने चाहिए, मतलब आप कहीं जॉगिंग पर जा रहे हैं या फिर जिम वगैरह जा रहे हैं तो आपको एथलेटिक शॉर्ट्स लेने चाहिए। ये बहुत ही कंफर्टेबल भी होते हैं, बहुत ही आरामदायक भी होते हैं। और अगर हम पैंट की बात करें तो आपको चीनोस पैंट लेनी चाहिए, क्योंकि जींस जो होती है उनमें थोड़ी हीट होती है तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल सी होती है, इसलिए आपको चीनोस पैंट पहननी चाहिए। चीनोस पैंट में आप कौन कौन से कलर ले सकते हैं, चीनोस पैंट में आप ब्लैक, डार्क ग्रीन, डार्क पिंक, ये बहुत ही आउटलुक होते हैं और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं गर्मी में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शर्ट और टी शर्ट्स के बारे में, मतलब आपको गर्मियों में कौन सी शर्ट और टी शर्ट्स पहननी चाहिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गर्मियों में ज्यादातर टी शर्ट्स का ट्रेंड रहता है, तो टी शर्ट्स बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं गर्मियों में। दोस्तों, टी शर्ट्स आपको पोलो टी शर्ट्स लेनी चाहिए, जो कि पोलो टी शर्ट्स क्या होता है, इनमें कॉलर होते हैं। अगर आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं या फिर कोई वेडिंग इवेंट है तो आप पोलो टी शर्ट्स ले सकते हैं। इससे क्या होता है, ये बहुत ही कंफर्टेबल भी होते हैं और थोड़ी स्टाइलिश भी होती है, इसलिए आप पोलो टी शर्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि पोलो टी शर्ट्स कॉटन की बनी होती है तो ये बहुत ही कंफर्टेबल भी होती हैं और क्लासी और स्टाइलिश भी होती है, और ये बहुत ही अलग अलग डिसेंट्स कलर में आती है। और जो पोलो टी शर्ट्स होती हैं उनको आप जींस पर मैच कर सकते हैं और चीनोस पर मैच कर सकते हैं, शॉर्ट्स पर भी मैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं वी नेक टी शर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, जो वी नेक टी शर्ट्स होती हैं ये भी बहुत ही आउटलुक होती हैं, और जो वी नेक टी शर्ट्स होती है ना, इससे क्या होता है, इससे आपके जो गला होता है वो थोड़ा खुला हुआ रहता है, तो इससे क्या होता है वो गर्मियों में आपको कूल फील कराएगा। इसको आप पैंट के ऊपर भी पहन सकते हैं, जींस के ऊपर भी पहन सकते हैं। दोस्तों, अगर शर्ट की बात करें तो आप शर्ट में लिनन की शर्ट्स पहन सकते हैं। लिनन एक ऐसा मेटल होता है जो आपको अंदर से कूल रखता है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा होता है और ये बहुत ही हल्का होता है। लिनन की शर्ट थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आप इनको 2-3 साल तक आराम से चला सकते हैं। और बात करें तो कॉटन की शर्ट की, तो गर्मियों में आपको कॉटन की शर्ट भी लेनी चाहिए, क्योंकि कॉटन की शर्ट बहुत ही अच्छी होती है गर्मियों के लिए। अब बात करते जो हमारा मेन पॉइंट है, शूज। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, शूज में बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं, वो ज्यादा बूट पहन लेते हैं, स्नेकर्स पहन लेते हैं, थोड़े हैवी लेदर शूज पहन लेते हैं। ये क्या होता है, गर्मियों में बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमें थोड़े हल्के शूज पहनने चाहिए। आपको गर्मियों में लाइट वेट शूज पहनने चाहिए, ब्रेथेबल शूज पहनने चाहिए, मतलब जिससे आपके पैरों में हवा आती रहे। अब गर्मियों में व्हाइट स्नेकर पहन सकते हैं जो कि कपड़े के बने होते हैं। अब लोफर्स पहन सकते हैं, क्योंकि लोफर्स जो होते हैं वो थोड़े खुले हुए होते हैं, उससे आपके पैरों में हवा भी लगती रहती है, और लोफर्स को आप शॉर्ट्स के ऊपर भी पहन सकते हैं और ये बहुत ही आउटलुक भी लगेंगे, बहुत ही स्टाइलिश लगेंगे। आप लोफर्स में लाइट ब्राउन शूज ले सकते हैं और स्नेकर में व्हाइट शूज ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तो जाते जाते अपने भाई के चैनल विपिन पावर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।